दोस्तों बिग बॉस ओटीटी के लाइव फीड में घर के अंदर इस समय मनीषा रानी ने अब तक का सबसे बड़ा खुलासा कर दिया है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है, और ये खुलासा किसी और के बारे में नहीं बल्कि बेबिका के बारे में है, जिसे सुनकर एल्विस के भी होश उड़ गए। दरअसल दोस्तों, यहाँ पर एल्विस, जिया शंकर और जो मनीषा रानी है वो बेड पर बैठकर बातचीत कर रहे थे, और इस दौरान घर के अंदर ये एस्ट्रोलॉजी वाली बातें चल रही थी। कल जो टास्क हुआ था घर के अंदर, फैमिली टास्क, उसमें जो रिश्ते विश्ते की बातें चल रही थी, और इस दौरान यहाँ पर जिया शंकर ने मस्ती करते हुए कहा कि तेरे को पता है घर के अंदर सबसे प्यारा रिश्ता किसका है, सबसे सच्चा रिश्ता बेबिका और अभिषेक का। ये सुनकर एल्विस हंसने लग गए, बोले हाँ यार ये तो है, उनका रिश्ता सबसे अलग है, कभी लड़ते हैं कभी साले वापस एक हो जाते हैं। वहीं दोस्तों इसके बाद में जिया शंकर ने कहा कि तेरे को पता है बेबिका शादीशुदा है और उसके एक बच्चा भी है। ये सुनकर यहाँ पर एल्विस को बिल्कुल यकीन नहीं हुआ, और एल्विस ने कहा वे चल बे मजाक मत कर फालतू की, लेकिन जिया ने कहा कि सच में है। और दोस्तों इतनी देर में मनीषा ने कहा कि हाँ जिया सही बोल रही है, बेबिका शादीशुदा है और उसका एक बच्चा भी है, मैंने तेरे को बताया तो था। इस पर दोस्तों यहाँ पर एल्विस ने कहा कि तूने बस मेरे को इतना बताया था कि वो शादीशुदा है, लेकिन ये कभी नहीं बताया कि उसके एक बच्चा भी है। वहीं इसके साथ मनीषा ने यह भी बताया कि बेबिका का जो है तलाक हो चुका है। ये सुनकर दोस्तों एल्विस के तो मानो पैरों तले जमीन खिसक गई, और उनको काफी बड़ा झटका लगा। खैर दोस्तों झटका तो मुझे भी लगा था, क्योंकि मुझे तो उसकी शादी तक का नहीं मालूम था। इसके बाद यहाँ पर एल्विस ने कहा कि तुझे कैसे पता चला, तू बता। जिसके बाद जिया बोलती है कि इनकी ना फर्स्ट वीक में काफी अच्छी दोस्ती थी, और इसलिए दोस्ती के नाते बेबिका ने मनीषा रानी को सारा सच बता दिया अपने रियल लाइफ का। और एक बार इनका दोनों का झगड़ा हो गया था, दोनों ने एक दूसरे को अंटशंट बक दिया था, उल्टा शुल्टा बक दिया था, और उस दौरान मनीषा के मुंह से निकल भी गई थी ये बात, तब हम लोगों को सबको पता चल गया, पूरे घर वालों को। ये सुनकर दोस्तों यहाँ पर एल्विस वाकई काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो गए, और उनको काफ़ी बड़ा झटका लगा। फिलहाल दोस्तों क्या आपको भी इस खबर से झटका लगा या नहीं, अपनी राय हमें कॉमेंट में बताएं। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए, ताकि बिग बॉस से जुड़ी हर खबर आप तक पहुँचे सबसे पहले।